कोतवाली थाना क्षेत्र के बैंक रोड स्थित वोडाफोन में 19 सितंबर को ही लूट की घटना को फर्जी बताते हुए पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है तथा उनके द्वारा की गई साजिश में वोडाफोन स्टोर में रखे रुपये तथा इसमें शामिल एक युवक के पास से मिले रुपये के साथ 67,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान वोडाफोन के कर्मचारी शशांक गुप्ता पुत्र ईश्वर चंद्र गुप्ता, अफजल खान पुत्र सनाउल्ला, अभिषेक त्रिपाठी पुत्र श्याम नारायण त्रिपाठी तथा वोडाफोन मिनी स्टोर बैंक रोड की मैनेजर मयूरी शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के जांच करने पर कहीं भी गन पॉइंट नहीं मिला है। कर्मचारियों ने ही कंपनी के एक स्कीम एवं पैसे में हुई रुपयों के गमन करने के लिए साजिश कर डाली, जबकि कंपनी के कैश में जो लूट की रकम 7.5 लाख रुपये बताई गई थी वो थी ही नहीं, मात्र कंपनी के अधिकारियों से स्टोर को बचाने के लिए ये योजना बनाई गई जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूरी जानकारी देते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया। मयूरी, क्या प्रस्ताव हो रहा है आपको? मयूरी, शशांक की तरफ से। शशांक कह रहा है कि आपने प्लानिंग की थी पूरी, ठीक ना? तो मयूरी गली इस बीच इनके भाई ने जॉब यहाँ पे छोड़ दी और वो यहीं पे गारमेंट्स ये गारमेंट्स का काम करने लगे। मेरे सास भी भाई ये तो मिला है उसको आगे आगे करो सर, उसको थोड़ा सा जल्दी टोटल कितने बराबर है सर? पैसा गया ही नहीं, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। पैसा तो गड्डी में रखा है, पैसा गया ही नहीं। पैसा एक तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वही गबन हो रहा है, सब गबन का मामला दूसरा होता है। पैसा जो इनके ऊपर एक तरह से आप मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और अन्य चीज़ों से उधार हो गया था वही पैसा जो है इन्होंने बता दिया कि उसकी हमारे साथ लूट हो गई के लिए वोडाफोन भी अपना इंटरनल वो कर रहा है क्योंकि इनको ये पता था वोडाफोन इनको पकड़ लेगा, आज नहीं तो कल पकड़ ही लेगा। परसों की है यानी कि 20 तारीख दोपहर के अंदर ये सूचना मिली कि वोडाफोन जो यहाँ पे बैंक रोड पे है यहाँ पर एक जो वहाँ पे महिला काम करती है उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि 7.5 लाख की लूट की गई है यहाँ पर और इसके ऊपर जो है तत्काल टीम गठित करके इसके अनावरण का जो है टीमें गठित की गई थी। स्पेसिफिकली SP क्राइम CO कोतवाली लगातार इसके अंदर लगे रहे और घटना का अनावरण जो हुआ वो ये निकला कि जिस महिला ने सूचना दी थी वो खुद ही इस घटना के षड्यंत्र में शामिल थी। सबसे पहली बात तो वहाँ पर 7.5 लाख की कोई कैश लूट अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आई है। यहाँ पर जो जानकारी हम लोग को जो इसके अंदर घटना के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से 3 लोग जो हैं वोडाफोन के ही एम्प्लॉय थे और एक व्यक्ति जो आया था वहाँ पर जिसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में शशांक नाम का जो व्यक्ति जो यहाँ पर एम्प्लॉय था उसने अपने कन्फेशन में बताया कि कुछ समय पहले बैंक जब ये यहाँ पर वोडाफोन के अंदर कैश के ट्रांजेक्शन देख रहे थे तो कुछ इनसे जो अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स के अंदर गलतियां हुई और इसके कारण जो वोडाफोन को घाटा होने लगा और उस डेप्ट की भरपाई करने के लिए ये एक दुष्चक्र जिसे कहते हैं एक विशेष साइकिल के अंदर फंसे और इन्होंने बैंक के अंदर जो रोज़ पैसा आता था वो जो वोडाफोन के अंदर रोज़ पैसा आता था जो अगले दिन जमा होना था पहले जमा करके कैश निकालना जमा करना कैश निकालना इस तरह का प्रोसेस इन्होंने चालू किया। इसके अंदर जो बैंक का ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी वो काफ़ी बढ़ती हुई कि कैश का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था और ये अमाउंट लगभग इन्होंने बताया कि 7 से 7.5 लाख के बीच में पहुंचा। इसके अंदर घटना के दिन इन्होंने ये प्लान किया जो इनके जो महिला जिसने सूचना दी उसको भी इस चीज़ की पूरी जानकारी थी। घटना के दिन जो व्यक्ति अफजाल है वो बाहर से आता है और क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही शशांक और उसका एक साथी भी जो इसके अंदर सम्मिलित है अभिषेक वो जब वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आने के साथ में मुँह पे कपड़ा बांधे हुए होता है। एक जना इसको रोकने का प्रयास करता है तो ये लोग
कहते ही जो है पानी देने के लिए आया है, वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद महिला बताती कि ऐसी लूट हो गई, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं, वहाँ से जो पैसा जो वहाँ पे था वो रिकवर हुआ है, जो 50,000 वहाँ पे था पैसा एज इट इज़ रिकवर हुआ, जो बैग ले गए जिसके अंदर बताते कैश है, उसके अंदर वोडाफोन के पुराने सिम हैं और इसके अंदर जो महिला है उसके द्वारा अपने उसने भी कन्फेशन किया और उसका ये उसके ऊपर जिम्मेदारी की भी तय होती, जो वोडाफोन की इंटरनल ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, तो इन लोग को इस चीज़ की जानकारी थी कि शीघ्र ही वो किसी ना किसी तरीके से इस पूरी तरह के पकड़ाई में आ जाएंगे, तो इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रच के जो है गलत सूचना दी पुलिस को और ये सोचा कि ये 7.5 लाख की लूट के अंदर दिखा के वो जो पैसा जो एक तरह से वहाँ पे डेप्थ हुआ है उसको ये गायब दिखा देंगे। इसके अंदर महिला ने बताया गन पॉइंट पे लूट हुई, कोई सीसीटीवी कवरेज के अंदर गन पॉइंट नहीं आई थी, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, महिला नीचे जाती तो इन्फॉर्मेशन भी कर सकती थी, कुछ ऐसा लगा हम लोग को कि देरी से भी सूचना दी गई। इन सब बिंदुओं के ऊपर जब हमने प्रकाश में डाला तो ये सारी घटना का अनावरण इसके अंदर हुआ। कितने रुपए थे सर? उसके अंदर मैंने बताया कि जो बैग जिस दिन वो बताते हैं, जो पाउच बताते हैं कि जिसके अंदर 7.5 लाख रुपए लेके गए, उसमें एक भी रुपया नहीं गया। उसके अंदर जो कंपनी के पुराने सिम थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे वो सारे सिम गए थे, क्योंकि वो बैग बंद था और महिला खुद ही इसके अंदर घटना में शामिल थी, उसने इस तरह की सूचना दी कि 7.5 लाख की लूट हो गई है। इसके अंदर वोडाफोन भी अपने ये षड्यंत्र के अंदर ये शशांक नाम का जो व्यक्ति है, इसके अंदर जो इनका एक एम पैसा ऐप होता है उसके अंदर इसका ये कहना है कि मेरे से जो इनिशियली प्रॉब्लम होनी चालू हुई उसके अंदर मेरे से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा लगातार चढ़ता रहा। ये शशांक वहीं पे एम्प्लॉयड है, पहले भी ये वहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था। इसका एक साथी अभिषेक, उसको भी इस घटना की पूरी जानकारी थी। तीसरी जो महिला जिसने सूचना दी कि इस तरह की लूट हुई, और चौथा व्यक्ति अफजाल, ये शशांक का पूर्व परिचित है और यही वो व्यक्ति है जो मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के अंदर आता है और इस तरह की लूट की गलत सूचना दी गई। इसका खुलासा करते हुए धाराएं जो इसके अंदर सुसंगत धाराएं उसके अंदर आगे कार्रवाई की जाएगी। चारों गिरफ्तार।